सभी दोस्तों को नमस्कार। ड्रीम शो टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आज फिर आपके सामने आईपीएल की टीम लेकर। दो बड़े मुकाबले खेले जाने वाले हैं, सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोनों ही शानदार और बड़े मुकाबले हैं। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि इस तरीके के कोई भी मूवमेंट पे चेंजेस होते हैं, लास्ट मूवमेंट के जो चेंज रहते हैं वो हम यहाँ डाल देते हैं। आपको ड्रीम शॉट टिप्स नाम से सर्च करना है और फटाफट से हमारे चैनल के ऊपर एड ऑन हो जाना है। तो दोस्तों और उन सारे दोस्तों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने कल खेले जाने वाले दोनों मैचों के अंदर अच्छी खासी विनिंग करी है। आप लोग अपने स्क्रीनशॉट्स हमारे को भेजते रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स हम यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। और उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जो इस तरीके के प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे को शेयर करते रहते हैं। दोस्तों आज वाले मैच के अंदर कौन जीतेगा ये बात बताने वाले को और कमेंट लिखने वाले को अगले वीडियो के अंदर हम उनका नाम लेंगे यहाँ पर। तो प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स लिखकर हमारे को भेजते रहें कौन इस वाले मैच के अंदर विनिंग करेगा। आइए फ्रेंड्स फटाफट से बात कर लेते हैं आज की टीम के बारे में। तो देखिए जो मैच खेले जाने वाला है, आज का मुकाबला जो खेले जाने वाला है सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में जो मुकाबला खेले जाने वाला है, इसकी पिच कंडीशन की बात करूँ तो ये हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। और जहाँ तक बात करूँ तो वैसे तो न्यूट्रल कंडीशन है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट रहेगा, लेकिन यदि लास्ट वाले एक मैच की बात करूँ तो हैदराबाद के अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छा रन चेज किया था 198, वो भी केवल 19 ओवर के अंदर। तो हो सकता है बैटिंग को भी यहाँ पर सपोर्ट रहे। टोटल मैच की यदि मैं बात करूँ तो टोटल मैच जो यहाँ पर विन करे गए हैं जिसमें बैटिंग पहले करी गई है वो 22 है, बॉलिंग पहले करी गई है वो 34 है। फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर रहा है वो 156 रहा है, सेकंड इनिंग का स्कोर जो रहा है वो 148 रहा है। हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड जो है वो 223 3 विकेट खोकर है। लोएस्ट टोटल रिकॉर्ड जो है वो 80 है 10 विकेट खोकर। और हाईएस्ट स्कोर चेज्ड है 217 7 विकेट खोकर। लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड है 129 8 विकेट खोकर। तो ये पूरे के पूरे यहाँ की स्ट्रेटेजी थी, इस पिच की स्ट्रेटेजी थी, कौन सा मैच और कौन से किसने जीते हैं, कितने मैच जीते हैं। और जहाँ तक हम बात करें SRS सनराइज हैदराबाद टीम की न्यूज़ के बारे में, तो देखिए IPL की शानदार टीमों में से एक टीम है, ये कंसिस्टेंट टीम है और इन्होंने अपना लास्ट मैच था वो जीता था। और डी वार्नर के शानदार प्रदर्शन के चलते तो इनको हमारे को टीम में तो लेना ही लेना है। और जहाँ तक अभी तक न्यूज़ है किसी भी तरीके का कोई प्लेइंग 11 के अंदर कोई चेंज नहीं है। और जहाँ तक अभी तक की रिपोर्ट आ रही है एस नदीम को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है खेलने का और संदीप शर्मा को रिप्लेस किया जा सकता है खलील अहमद की जगह पर। तो इस चीज़ के लिए भी हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट डाल देंगे लास्ट मोमेंट में क्या चेंज रहते हैं। डी वार्नर और जे बेस्ट्रो ये जो है ये शुरुआत करेंगे और इनके बाद में फर्स्ट डाउन पे के विलियमसन आएंगे। डी वार्नर के बारे में बात बता दूँ तो शानदार बैट्समैन है ये, लास्ट वाले मैच के अंदर इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा था मैच को जिताने के अंदर, जो दोनों मैचों के अंदर 69 बॉल के ऊपर 85 रन का स्कोर इन्होंने अचीव किया था। दूसरी तरफ बात करें बेस्ट्रो की तो बेस्ट्रो के अंदर ने भी लास्ट मैच के अंदर 45 रन स्कोर करे थे। इसके बाद में मनीष पांडे और विजय शंकर आते हुए नजर आएंगे हमारे को और भुवनेश्वर और कॉल ये जो हैं ये शानदार बॉलर हैं इस टीम के, लेकिन अभी तक इतनी कोई खास परफॉर्मेंस इनकी इस वाले मैच में नहीं रही है। ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है, भुवनेश्वर ने काफ़ी सारे रन दे दिए थे अपने बॉलिंग सेगमेंट के अंदर, तो उम्मीद करी जाएगी इस बार भुवनेश्वर कुछ ना कुछ ऐसा कमाल करके दिखाएंगे कि IPL की हिस्ट्री के अंदर वो चीज़ें याद रहे। दूसरी तरफ बात करूँ मैं RCB की टीम की न्यूज़ के बारे में तो एम स्टोनिस और एन कॉल्टर नाइल जो है वो इस वाले मैच के अंदर अवेलेबल नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना लास्ट मैच खो दिया था और जीत उनके हाथों से बिल्कुल फिसल गई थी, मैच जीतने ही वाले थे लेकिन वो मैच भी ये हार गए थे। देखिए इस टीम के साथ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बैट्समैन के रूप के ऊपर पूरी टीम की जो जिम्मेदारी है जवाबदारी है वो कोहली हर सिचुएशन को कंट्रोल करके और हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होकर खेलने वाले प्लेयर है। जो टीम की पूरी दावेदारी और जिम्मेदारी है वो कोहली और डिविलियर्स के ऊपर है, यदि ये दोनों आउट हो जाते हैं तो टीम बड़ी प्रेशर के अंदर आ जाती है, हमेशा देखा गया है।
तो यहाँ पर इन दोनों की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ा इन लोगों का यहाँ पर किरदार है। तो इनको मैच के मिड तक बने रहना पड़ेगा जिससे बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन लोगों के सपोर्ट में रन अचीव होते रहें। पार्थिव पटेल एंड विराट कोहली ओपन करेंगे। उस विराट कोहली ने 46 रन अचीव करे थे, इतना कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद लगाई जा रही है इस वाले मैच के अंदर इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ मैं बात करूं मोइन अली की, तो मोइन अली बैटिंग के अंदर भी माहिर है और बॉलिंग के अंदर तो माहिर है ही है, तो उम्मीद करी जा सकती है इस वाले मैच के अंदर मोइन अली अपने बैट से भी कुछ ना कुछ कमाल दिखाएंगे। लेकिन पुराने वाले मैचों की बात करूं तो अभी तक इन्होंने बैटिंग के अंदर कुछ प्रदर्शन खास दिखाया नहीं है। 4 ओवर इनको मिलेंगे कराने के लिए इस वाले मैच के अंदर। एवी डिविलियर्स और विराट कोहली के ऊपर पूरी जवाबदारी है इस मैच की, तो आखिरी तक इनको मैच के अंदर टिका रहना पड़ेगा। जहां तक मैं डिविलियर्स की बात करूं तो शानदार बैट्समैन है, 360 डिग्री के प्लेयर हैं ये, और अपने लास्ट वाले मैच के अंदर इन्होंने अटैकिंग बल्लेबाजी की थी, 70 रन अचीव करे थे। और दूसरी तरफ बात करें हम वाई चहल की और मोइन अली की, तो ये स्पिनर हैं, इन लोगों के ऊपर ही मैच काफ़ी डिपेंडेंट है, बॉलिंग स्ट्राइक पिच है। और चहल ने 4 विकेट लास्ट वाले मैच में लिए थे, तो इनसे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये इस वाले मैच के अंदर भी अपना कमाल का प्रदर्शन दिखाएंगे। जहां तक ये विकेट कीपर की मैं बात करूं तो विकेट कीपर के अंदर तो देखिए जे बेस्ट्रॉ और पार्थिव दोनों ही बेटर है। जहां तक मेन सेलेक्शन की बात करूं तो मेरे हिसाब से विकेट कीपर के रूप में बेस्ट्रॉ ज़्यादा अहमियत रखते हैं इस वाले मैच के अंदर। प्रोबेबल 11 खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं हम आरसीबी की टीम की, तो देखिए विराट कोहली है, पार्थिव पटेल है, मोइन अली है, एवी डिविलियर्स है, हेथ मेयर है, शिवम दुबे है, कॉलिन टी ग्रैंड होम है, उमेश यादव है, युजवेंद्र चहल है, मोहम्मद सिराज है, नवदीप सैनी है, ये सारे के सारे आरसीबी की टीम के प्लेयर्स हैं। और बात कर लें एसआरएच की टीम के प्लेयर के बारे में, तो डेविड वार्नर है, जे बेस्ट्रो है, केन विलियमसन है, विजय शंकर है, मनीष पांडे है, यूसुफ पठान, रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार, शहजाद नदीम, संदीप शर्मा और खलील दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं, सिद्धार्थ कौल। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इस टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है, किन किन पे टीम की दावेदारी है। विराट कोहली है, एवी डिविलियर्स है, पार्थिव पटेल है, मोइन अली है, एस हेथ मेयर है, यादव है, सिराज है, चहल है। और एसआरएच के भी इंपॉर्टेंट टीम के प्लेयर्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, डेविड वार्नर, बेस्ट्रो, विलियमसन, मनीश पांडे, विजय शंकर, शकीब अल हसन, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल। देखिए जहां तक अब मेन बात करें हम कैप्टन और वाइस कैप्टन के सिलेक्शन की, तो टीम कोई सी में मैं बना के आपको दे दूँ, थोड़ा सा उसके अंदर यदि आप वेरिएशन करके टीम दो या तीन टीम लेकर चलते हैं तो उसके अंदर अलग अलग कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन रखते हैं तो जीतने की उम्मीद काफ़ी रहती है। यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में विराट कोहली, एवी डिविलियर्स, चहल, बेस्ट्रो, विलियमसन, वार्नर, राशिद खान या फिर भुवनेश्वर, इनमें से किसी को भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। आइए फटाफट से नज़र डाल लेते हैं हमारी टीम के ऊपर कि हमने कौन सी टीम क्रिएट करी है। देखिए यहाँ मैंने टीम ऑलरेडी बना रखी है, तो टीम के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि टीम हमने कौन सी ली है। विकेट कीपर के सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ विकेट कीपर मैंने जे बेस्ट्रो लिए हैं, आप चाहें तो पार्थिव पटेल को भी यहाँ पर ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो यहाँ पर लिया है वो जे बेस्ट्रो लिया है। सेकंड यदि बात करें तो प्लेयर्स के अंदर बैट्समैन में मैंने यहाँ अपनी फर्स्ट टीम के अंदर 3 बैट्समैन को पिक करा है, विराट कोहली है, वार्नर है और विलियमसन है, यहाँ 3 मैंने बैट्समैन लिए हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर भी मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं, विजय शंकर है, सीडी ग्रैंड होम है, शिवम दुबे है, 3 मैंने ऑलराउंडर लिए हैं। और बॉलर की बात करें तो राशिद खान, यादव है, चहल है और 4th नंबर पर मैंने यहाँ पर लिया शर्मा को। तो यहाँ 4 मैंने बॉलर ले लिए हैं। पूरी टीम का एक बार प्रिव्यू कर लेते हैं, तो देखिए ये टीम मैंने यहाँ पर बना ली है और मैंने यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप के अंदर कैप्टन मैंने यहाँ पर लिए हैं विराट कोहली को, और सॉरी वाइस कैप्टन मैंने लिया विराट कोहली को और कैप्टन मैंने लिया यहाँ पर वार्नर को। आप चाहें तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर यहाँ पर जे बेस्ट्रो को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के अंदर डाल सकते हैं, ये भी काफ़ी पॉइंट अचीव कराने में हमारी हेल्प करेंगे। दूसरी टीम के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि दूसरी टीम हमने कौन सी क्रिएट करी हुई है।
देखिए इसके अंदर भी मैंने विकेट कीपर के रूप में जे बेस्ट्रॉ लिया है, आप चाहें तो इसको चेंज करके पार्थिव पटेल ले सकते हैं एक टीम के अंदर। यहाँ पर मैंने विराट कोहली की जगह पर एवी डिविलियर्स को लिया है, डी वार्नर है, के विलियमसन है, तीन सेम मैंने यहाँ पर बैट्समैन लिए हैं, केवल यहाँ पर मैंने विराट कोहली को रिप्लेस कर दिया एवी डिविलियर्स की जगह पर। और ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने यहाँ दो ऑलराउंडर लिए हैं, विजय शंकर है, सी डी ग्रैंड होम है। बॉलर की बात करें तो मैंने यहाँ पर पाँच बॉलर लिए हैं, राशिद खान, यादव, चहल, सिद्धार्थ कौल और शर्मा। यहाँ पांच मैंने यहाँ पर बॉलर लिए हैं, टीम का एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पांच बॉलर लिए हैं मैंने, तीन बैट्समैन लिए हैं, दो ऑलराउंडर लिए हैं और यहाँ पर मैंने कैप्टन जो बनाया है वो वार्नर को बनाया है, वाइस कैप्टन जो बनाया है मैंने एवी डी विलियर्स को बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर जे बेस्ट्रो को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टीम मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, इस टीम के थ्रू जाकर आप आ सकते हैं और अपनी विनिंग करके आ सकते हैं। और आज का मैच दोनों टीम में से कौन जीतेगी हमारे को ये बात कमेंट में लिख कर दें, जिसकी भी बात सही रहती है उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाकर हम डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।